राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं क्या हुआ रिसीवर, और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं ये खीर नहीं विष है, और कहते हैं अच्छा तो तुम सब मिलकर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हो, और फिर गोपियां कहती हैं नहीं रिसीवर, हम आपको विष क्यों प्रस्तुत करेंगे, हमने तो बड़े मन से आपके लिए खीर बनाई थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं गुरुवर ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये कार्य गोपियां कर सकती हैं, और कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए परंतु ये सत्य नहीं हो सकता, गोपियों के मन में अगर कुछ है तो केवल प्रेम, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा कहते हैं अब इन गोपियों के लिए कृष्ण राधा और रुक्मणी क्षमा याचना कर रहे हैं, ये त्रुटि है या षड्यंत्र ये निश्चय तो तब होगा जब कृष्ण और रुक्मणी स्वयं मेरे लिए खीर बनाएंगे और राधा इस खीर को स्पर्श भी नहीं करेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा कहते हैं कृष्ण जी से अब इन गोपियों को अगर आप मेरे श्राप से बचाना चाहते हैं तो उन्हें मेरे लिए स्वादिष्ट खीर बनानी ही होगी, अन्यथा ये गोपियां राधा कृष्ण और रुक्मणी समस्त द्वारिका भस्म होगी मेरी क्रोध अग्नि से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण रुक्मणी खीर बनाते हैं परंतु वो राधा से दूर से सहायता अवश्य मांग लेते हैं और राधा उनको दूर से इशारे में सहायता करती हैं। और फिर तभी शाम आ जाता और ये देखता है और कहता है राधा तो श्री कृष्ण और रुक्मणी की सहायता कर रही हैं, अब तो पिताश्री की खीर अवश्य ही स्वादिष्ट बनेगी, और तो और मेरे समीप अब विष भी नहीं है, कहीं ऋषि दुर्वासा पिताश्री से प्रसन्न होके उन्हें आशीष ना दे दें। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम खीर बना रहे होते हैं और तभी लक्ष्मणा कहती हैं आर्य शाम आप ये क्या कर रहे हैं, आपको भूख लगी है तो आप मुझे बता देते, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं। और फिर शाम कहते हैं मैं खीर बना रहा हूँ, और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं किंतु आर्य शाम आपको तो खीर बनानी ही नहीं आती, और कहती हैं दीजिए मैं बना देती हूँ, और तभी शाम कहते हैं नहीं लक्ष्मणा मैं जानता हूँ कि मुझे खीर बनानी नहीं आती, क्योंकि सत्य तो ये है ये खीर स्वादहीन ही बननी चाहिए। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं किंतु क्यों, और फिर शाम बताता है यदि मैं पिताश्री की खीर नष्ट नहीं कर सकता तो उसे बदल तो सकता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी और रुक्मणी खीर बना रहे होते हैं और फिर रुक्मणी कहती हैं श्री कृष्ण खीर से तो अत्यंत मधुर सुगंध आ रही है, और फिर कृष्ण जी कहते हैं सत्य में लगता है हमारी खीर भी राधा की खीर की भांति ही बनी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे लक्ष्मणा कहती हैं शाम से आर्य शाम ये खीर तो अत्यंत स्वादहीन बनी है, और ऋषि दुर्वासा को पता चला ना कि आपने बनाई है तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। और फिर शाम कहता है नहीं लक्ष्मणा ऋषि दुर्वासा मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि ये खीर मैं नहीं अपितु स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उन्हें प्रस्तुत करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है, और कहते हैं रुक्मणी तुम एक कार्य करो, तुम खीर लेके भोजन कक्ष में पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है क्या हुआ माता खीर अभी बनी नहीं है, और तभी रुक्मणी कहती हैं खीर तो बन गई है किंतु इसको ठंडा होने के लिए यहाँ किसी को रुकना होगा, और फिर तभी शाम कहता है कोई और क्यों मैं हूँ ना, और फिर शाम अपनी खीर को वहाँ ले आता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं उचित है महादेव संपूर्ण संसार आपको विनाशक कहता है, और देवी राधा ने तो आपको खीर का रक्षक ही बना दिया। और फिर महादेव कहते हैं गौरी यही तो भक्ति की शक्ति है, और कहते हैं भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं अनिष्ट की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस खीर को छू भी नहीं पाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम खीर बदलने के लिए खीर को छूते हैं, और तभी शाम उस खीर को छू नहीं पाता है और कहता है ये क्या हुआ।
और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं महादेव का अंश हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी महादेव कहते हैं, श्याम, जिस शक्ति का तुम अंश हो वही शक्ति इस खीर की रक्षक है, अब देखते हैं तुम क्या कर पाओगे। और फिर सांप कहता है, यदि मैं इस पात्र को छू नहीं सकता तो मैं श्री कृष्ण की इस खीर को नष्ट कर दूंगा। और फिर सांप खीर को नष्ट करने का प्रयत्न करता है और तभी वह उसमें भी विफल हो जाता है। और तभी रुक्मणी आ जाती है और कहती है, सांप मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम। और फिर सांप कहता है, हाँ माता, मैं बस लेकर आने ही वाला था। और फिर रुक्मणी कहती है, ठीक है, मैं इस पात्र में ही खीर ले लेती हूँ। और फिर सांप कहता है, ये क्या, इस पात्र को तो मैं स्पर्श ही नहीं कर सकता। और फिर तभी रुक्मणी खीर को लेकर जा रही होती है और तभी सांप कहता है, माता आप क्यों कष्ट कर रही हैं मेरे होते, लाइए मुझे दीजिए। और तभी रुक्मणी कहती है, रहने दो सांप, कब से तुम्हारी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, तब तो तुम खीर लेके आए नहीं, अब मैं ही जाती हूँ, कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोध ना करने लगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, श्री कृष्ण जी ऋषि दुर्वासा को खीर परोसते हैं। और फिर तभी सांप कहता है, अब तो मेरे सभी प्रयास पुनः व्यर्थ होते दिख रहे हैं। और फिर ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मणी की बनी हुई खीर को खाते हैं। और फिर ऋषि दुर्वासा स्मरण करते हैं कि पहली बार मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर खाई है, परंतु मैं इस खीर की प्रशंसा नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा यहाँ आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा क्रोध में उठते हैं और कहते हैं, अनर्थ हो गया, और कहते हैं, तुमने महा अपराध किया है, एक ऋषि के वचन का उल्लंघन किया है, मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने राधा की सहायता से खीर बनाई, ये मेरा घोर अपमान है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, गुरुवर क्षमा कीजिएगा, किंतु जो आवश्यक था वही हमने किया। और कहते हैं, आप अत्यंत विशिष्ट अतिथि हैं, आपके लिए जो खीर बननी चाहिए वो अत्यंत स्वादिष्ट होनी चाहिए, इसलिए हमने राधा से मार्गदर्शन लिए। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मैं पहले ही तुम्हारी गोपियों से क्रोधित था, अब तुमने स्वयं मेरे वचन की अवज्ञा कर मेरा घोर अपमान किया है। और फिर कहते हैं, तुम्हें अपने इस अपराध का दंड भुगतना ही होगा। और फिर तभी समस्त द्वारकावासी और सभी लोग महाऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना करते हैं। और फिर राधा कहती है, नहीं ऋषिवर, आप कृष्ण को दंड मत दीजिएगा, आप मुझे दंड दे दीजिए। और तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, नहीं राधा, तुम कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास मत करो, सभा के मध्य आकर द्वारकाधीश दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर रुक्मणी कहती है, नहीं ऋषिवर, आप मुझे दंडित कर दीजिए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं रुक्मणी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी से कहते हैं, अपने वस्त्र उतारो कृष्ण। और फिर कृष्ण जी अपने वस्त्र उतार देते हैं। और फिर आगे ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी से कहते हैं, कृष्ण तुम्हारी गोपियों ने मेरे आश्रम में मेरे समक्ष मेरा अपमान किया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष मेरी झूठी खीर से अभिषेक करके अपमानित करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के ऊपर अपनी झूठी खीर से अभिषेक करते हैं। और ये सब देख के सारी द्वारका की प्रजा अत्यंत दुखी हो जाती है। और फिर तभी कृष्ण जी स्मरण करते हैं और कहते हैं, राधा इसे मेरा अपमान मत समझो, अपितु ये तो सम्मान है मेरा। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती है, महादेव ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण का अपमान किया, ये सब क्या हो रहा है द्वारिका में। और फिर तभी महादेव बताते हैं, गौरी द्वारिका में इस समय जो घटित हो रहा है उसका पूर्ण सत्य तो केवल ऋषि दुर्वासा और श्री कृष्ण ही जानते हैं। और कहते हैं, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण उसे अपना सम्मान मान रहे हैं। इससे केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि अभी वहाँ बहुत कुछ घटना शेष है, और अब जो वहाँ घटित होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि ऋषि दुर्वासा किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों को मित्रों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मित्रों अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।